वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर वन इंडिया साइज एंड लोकेशन, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 9 से। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। पहला है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किससे पास नहीं होता? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो इसका आंसर है ओडिशा से। सेकेंड है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 degree 25 minutes ईस्ट, 68 degree 7 minutes ईस्ट, 77 degree 6 minutes ईस्ट या 82 degree 32 minutes ईस्ट। तो इसका आंसर है ए, 97 degree 25 minutes ईस्ट। थर्ड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। किसके साथ जो है हमारी जो बाउंड्री है वो एक तरह से जुड़ी है, वो है नेपाल। फोर्थ है, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवरत्ती ड्यूरिंग द समर वैकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। इसका आंसर है लक्षद्वीप। और फाइनली है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। द कंट्री इज तजाकिस्तान। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। कौन से ग्रुप हैं आइलैंड्स के जो अरेबियन सी में है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। दूसरा है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया से बड़ी हैं? तो इसका आंसर है रशिया, कैनेडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ब्राज़ील। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द इट्स साउथ ईस्ट? आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। फिर फोर्थ है, विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर सदर्न नेबर्स? इसका जवाब है श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द टू आइलैंड कंट्रीज दैट आर द सदर्न नेबर्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन? सूरज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात जो कि वेस्ट है उसके मुकाबले 2 घंटे पहले निकलता है, लेकिन घड़ी में सेम वक्त पता चलता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण है कि गुजरात लाइज बिटवीन 68 डिग्री ईस्ट एंड 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वेरस अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड बिटवीन 91.20 डिग्री ईस्ट एंड 97.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश जो है वो 2 घंटे आगे है गुजरात से लोकल टाइम में। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, वाई? जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की वो इंडियन ओशन के बिल्कुल हेड पे है और इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है, इट हैज़ गिवन इंडिया अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ड्यू टू द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट एशिया। तो इसका मेन फायदा क्या है कि ये जो है जो कंट्रीज है यूरोप की वेस्ट में और जो कंट्रीज है ईस्ट एशिया में उनको कनेक्ट करता है, इसलिए ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट और इसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब आपको बताना है कि मैप की मदद से कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ लोकेटेड है। यहाँ पर आपको मैप पे हाईलाइट करना है। हम आपको इसमें एक बता रहे हैं कि इसके बेसिकली आंसर्स क्या क्या है। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो अरेबियन सी में है या बे ऑफ बंगाल पे है? तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द बे ऑफ बंगाल इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर कॉल्ड लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल की तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, अरेबियन सी की तरफ लक्षद्वीप। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं? वो उसमें आता है, अगर हम इंडिया को भी काउंट करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स। तीसरा है, द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास हो रहा है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वैसे भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो 23.50 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है। अब इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से पास हो रहा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज कौन सा है? द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है वो आर्कटिक सर्कल का है जो लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ है। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेन लैंड इन डिग्रीज क्या है?
तो जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया जो है वो है 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स नॉर्थ। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्योंकि लाई करता है केप कैमोरिन में, और कन्याकुमारी जो है वो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है इंडिया का। फिर है द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स इन डिग्रीज। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो डिग्री कंट्री की है वो है 97 डिग्री एंड 23 मिनट्स ईस्ट, जबकि जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है मेनलैंड का वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। जहाँ तक इंडिया एज अ मेनलैंड कंसर्न है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो हमारी कंट्री का है वो 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट है, और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो कंट्री का है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट है। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द थ्री सीज, इसका जवाब है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो सराउंडेड है थ्री सी साइड से, सीज से, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशियन हो गया और अरेबियन सी। नेक्स्ट है द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। कौन सा ऐसा स्ट्रेट है जो श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट इज द स्ट्रेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द मनार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। पाक स्ट्रेट जो है, जो हम जिस स्ट्रेट की बात कर रहे हैं वो पाक स्ट्रेट है, और ये जो है तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है इंडिया का, और जो मनार डिस्ट्रिक्ट है नॉर्दर्न प्रोविंस श्रीलंका की, उसके बीच में आता है, और ये कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद द पाक बे एंड देन विद द गल्फ ऑफ मनार इन द साउथ वेस्ट। तो ये बे ऑफ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में पाक बे से कनेक्ट करता है, और फिर गल्फ ऑफ मनार को साउथ वेस्ट में। फाइनली है द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं इंडिया की? तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। ये आपकी एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, इसमें एक्सरसाइज दी हुई है फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल एंड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ योर स्टेट। अब आपको बतानी है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपके स्टेट की क्या है। तो हम सैम्पल के लिए उत्तर प्रदेश ले रहे हैं, 26.8467 डिग्रीज नॉर्थ, 80.9462 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिल्क रूट, ऑल्सो फाइंड आउट द न्यू डेवलपमेंट्स विच आर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन रूट्स इन द रीजन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। तो इसका आंसर है द सिल्क रूट वॉज अ सीरीज ऑफ एशियन ट्रेड नेटवर्क्स दैट कनेक्टेड चाइना एंड द फार ईस्ट कंट्रीज विद कंट्रीज इन यूरोप एंड मिडल ईस्ट। सिल्क रूट जो है एक ऐसी सीरीज है जो बहुत पहले ट्रेड नेटवर्क चला आ रहा है उसकी, जिससे कि चाइना कनेक्टेड है, साथ ही साथ जो फार ईस्ट जो है वो भी कनेक्टेड है उन कंट्रीज से जैसे यूरोप में है या मिडिल ईस्ट में। द रूट इंक्लूडेड अ ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट एंड मार्केट्स दैट वर यूज्ड टू हेल्प इन द स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये रूट जो है इसमें क्या आता है, बेसिकली एक ग्रुप आता है ट्रेडिंग का, जो ट्रेडिंग पोस्ट होते हैं उनका, मार्केट का, जहाँ पर काफ़ी मदद मिलती है स्टोरेज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों को, या गुड्स का एक्सचेंज होता है। इट वॉज ऑल्सो नोन एज सिल्क रोड, इसको सिल्क रोड कहा जाता था। इन रिसेंट टाइम्स सेवरल न्यू डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस विच आर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन रूट्स इन द रीजन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। अभी आज के वक्त में और कह सकते हैं कुछ समय पहले से ही बहुत नए डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे जो कम्युनिकेशन रूट्स हैं उनमें सुधार आ रहा है, खासतौर से उन इलाकों में जो हाई ऑल्टीट्यूड्स में बने हुए हैं। नाउ वी हैव मोटरेबल रोड्स, ऐसी सड़कें बनने लगे हैं जिससे गाड़ी आसानी से आ जा सकती है। रेलवे लाइन्स आर ऑल्सो बींग लेड थ्रू ब्रिजेस, टनल्स एंड केव्स। जो रेलवे लाइन्स हैं अब वो बिछाई जा रही हैं, चाहे ब्रिजेस पे हो, टनल्स के थ्रू हो, केव्स से हो, उनको भी बिछाया जा रहा है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन, सेटेलाइट फोन्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। और कम्युनिकेशन के जो जरिए हैं अब उसमें फ़ोन्स हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सब आ गए हैं। तो इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन रूट्स पर इम्प्रूव हो रहा है। तो ये थी